तो चाहे छोटा बल्ब हो, बड़ा बल्ब हो, किसी एक ब्रांड का हो या दूसरे ब्रांड का हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे एलईडी बल्ब इसी तरीके से ठीक होते हैं। इनमें से जो भी एलईडी खराब होगी, जैसे ही आप उसके साथ ऐसा करेंगे तो पूरा बल्ब जलने लगेगा और हमें पता चल जाएगा कि वो एलईडी हमारी खराब है। 13 बल्ब थे टोटल, उसमें से ये 2 बल्ब खराब हो चुके हैं, इन्हें मैं सही नहीं कर पाया। लेकिन इनके अलावा जो बाकी के 11 बल्ब थे वो पूरे तरीके से ठीक हो चुके हैं। पुराने टाइम पर हम लोगों के घरों में जो बल्ब यूज होते थे पीले कलर के, उनके अंदर टंगस्टन एलिमेंट का यूज होता था। बाहर की बॉडी कांच की बनी होती थी और अंदर गैस भरी होती थी। मान लीजिए वो बल्ब टूट गया, कांच टूट गया, अंदर की गैस निकल गई, एलिमेंट टूट गया, तो उसके बाद वो बल्ब बेकार है, उसको कोई सही नहीं कर सकता, आपको नया बल्ब खरीदना पड़ेगा। लेकिन आजकल हम सबके घरों में ये वाले बल्ब यूज होते हैं जो आप देख रहे हैं, एलईडी बल्ब हैं ये। और इनको हम लोग सोचते हैं जब ये खराब हो जाते हैं, हमें लगता है ये खराब हो गए और इनको फेंक देते हैं हम। लेकिन 80-90% केसेस में इनके अंदर एक छोटी सी फॉल्ट होती है। आप उस फॉल्ट को 5 मिनट के अंदर आइडेंटिफाई करके और सही कर सकते हैं। कोई इसमें ज़्यादा बड़े टूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप घर पे बैठे खुद सही कर सकते हैं और ये बल्ब ठीक हो जाते हैं। मैं पिछले 4-5 साल से मेरे घर के जितने भी बल्ब्स हैं मैं उनको ऐसे ही सही करके और ऐसे ही चलाता हूँ, काफ़ी टाइम तक वो चल जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो वो एलईडी बल्ब्स जो आप सही करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लगभग ये 13 एलईडी बल्ब्स हैं जो मैं ठीक करने जा रहा हूँ। अलग अलग ब्रांड के हैं ये, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता ये किसी भी ब्रांड के एलईडी बल्ब्स हों, हर ब्रांड के एलईडी बल्ब्स इसी तरीके से ठीक होते हैं। इसमें मैंने छोटे और बड़े हर तरीके के बल्ब लिए हैं। ये बड़े वाला 20 वाट का बल्ब आप देख रहे हैं और बाकी सारे ये छोटे बल्ब हैं। तो चाहे छोटा बल्ब हो, बड़ा बल्ब हो, किसी एक ब्रांड का हो या दूसरे ब्रांड का हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे एलईडी बल्ब इसी तरीके से ठीक होते हैं। इसके अलावा आपको एक किट की ज़रूरत है, ये सोल्डरिंग आयरन की किट है। ये पूरी किट में जितने भी सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं वो सारे इस किट के अंदर हैं। तो एक इस किट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक आपको इस होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। इस होल्डर में आपको बल्ब लगा के और टेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा एक होल्डर होना चाहिए, उसके पीछे एक वायर होनी चाहिए लंबी सी, ये आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी सॉकेट में। एक टेस्टर की आपको रिक्वायरमेंट होगी और एक ये ब्लेड की आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका काम टेस्टर से हो जाता है तो आपको इस ब्लेड की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अभी पूरा प्रोसेस में मैं आपको समझाऊंगा। और एक ये छोटा सा वायर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट आपको होगी। ये काफ़ी पतला सा वायर है, इसकी ज़रूरत क्या है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वायर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इस वायर के अलावा मल्टीमीटर जो होता है वो आपका काम कर सकता है। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो इस वायर की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी, लेकिन हम में से ज़्यादा लोगों के घरों पर मल्टीमीटर नहीं होता, इसलिए मैं ये वायर लेके इससे पूरा प्रोसेस करके आपको सिखाऊंगा, ताकि आपको किसी टूल पर डिपेंड ना रहना पड़े कि मल्टीमीटर नहीं है तो मैं सही नहीं कर पा रहा। बिना मल्टीमीटर के भी आप सही कर सकते हैं। इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ महंगी नहीं है जो आप नहीं खरीद सकते। ये सोल्डरिंग आयरन ये भी 50-100 रुपये की मार्केट में आपको मिल जाती है। बाकी ये होल्डर तो आपको पता ही है, छोटा सा एक पार्ट है, आपको किसी भी इलेक्ट्रीशियन की दुकान पर मिल जाएगा। वायर कनेक्ट करके आपको बस उसको इस तरीके से बनाना है कि आप उसको चला सकें, और इसमें कोई भी ऐसा बड़ा कंपोनेंट नहीं है। इससे पहले कि हम बल्ब सही करना स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को कुछ सेफ्टी वार्निंग्स देना चाहता हूं, कहीं आप लोग बाद में कहें कि बताया नहीं था। तो जब हम बल्ब खोल रहे हैं उस टाइम पर हम जैसे स्क्रू ड्राइवर का यूज कर रहे हैं या ब्लेड का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपको सावधानी से उसको खोलना पड़ेगा। अपनी सेफ्टी अपने आपके हाथ में आप ध्यान दीजिए, आपके हाथ में वो चीज ना लग जाए, चाहे उसके लिए आपको ग्लव्स खरीदने पड़े, ग्लव्स पहनने पड़े, तो वो सारी चीजें आप अपने हिसाब से देखिए। उसके बाद जो आपका होल्डर है जिसमें आप बल्ब कनेक्ट करके और उसको चेक करके देखेंगे, उसके बैक साइड पर या तो उसको आप ऐसी जगह पर कहीं पर फिट कर दीजिए कि बैक साइड पर उसके जो ओपन वायर है वो कहीं आपसे टच ना हो, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट रहेगा, तो वहां पर उस चीज का आपको काफी अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी बल्ब आप ठीक करना चाहते हैं उसका ये ऊपर का पार्ट आपको खोल लेना है। तो खोलने के लिए आपको क्या करना है, कुछ ब्रांड्स में ये इजीली ट्विस्ट करके ऐसे खुल जाएगा, आप इसको ट्विस्ट कीजिए हल्का सा और ये खुल जाएगा इस तरीके से। ये जो कप है ये अलग से ऐसे ही होता है, इसका कोई ज़्यादा काम नहीं होता। बाकी ये आपका मेन बल्ब है, इस तरीके से आपका ये खुल जाएगा। कुछ ब्रांड्स के जो बल्ब होते हैं वो इतना इजीली नहीं खुलते, तो उनके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, या तो आप टेस्टर की मदद ले सकते हैं या फिर आप अपनी ब्लेड की मदद ले सकते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, इस ब्लेड की या फिर इस टेस्टर की मदद से, जो भी आपको ठीक लगे उससे आपको खोलना है। फिलहाल एक बल्ब मैंने यहाँ पर ये खोल के आप लोगों के लिए रख रखा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे हल्का सा ब्लेड का निशान है, तो ब्लेड से मेरे को इसको घिसना पड़ा थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने टेस्टर इसमें डाल के और इसको खोला, क्योंकि ये ग्लू से काफ़ी अच्छे से चिपके हुए होते हैं तो इतना इजीली नहीं खुल पाते, उसके बाद मेरे को ये खोलना पड़ा। तो इस तरीके से ये खुल जाता है, और बाकी जितने भी बल्ब्स हैं वो इसी तरीके से आपको खोल लेने हैं, बस थोड़ा सा सेफ्टी का इसमें आपको ध्यान रखना है।
जब एक बार बल्ब आपके सारे खुल जाएं, उसके बाद बल्ब को आप थोड़ा सा साइड कीजिए, और जो होल्डर है आपका जो मैंने शुरू में दिखाया था, इस होल्डर को आपको अपने पावर सॉकेट में कनेक्ट करना है। तो ये होल्डर मैंने इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये एलईडी बल्ब खुला हुआ जो आपके सामने है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कुछ येलो डॉट्स नज़र आ रही होंगी। ये येलो डॉट्स कुछ और नहीं, ये एलईडीज़ हैं छोटी छोटी, और ये जो एलईडीज़ हैं ये आपस में सीरीज़ कनेक्शन में कनेक्टेड हैं। सीरीज़ कनेक्शन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त एक डायग्राम दिख रहा होगा, उसमें आप देख सकते हैं। सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें हमें कनेक्ट करनी होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लाइन में कनेक्ट हो जाती हैं, तो एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाता है। तो इस तरीके से पूरा कनेक्शन होता है। अब इस कनेक्शन में एक जो सबसे बेकार बात होती है वो ये होती है कि जब भी इस कनेक्शन में कोई भी एक एलिमेंट खराब होता है तो उसके बाद ये पूरा जो सर्किट है वो काम करना बंद कर देगा। सेम चीज होती है हमारे एलईडी बल्ब के साथ। इनमें ये जो येलो डॉट्स आप देख रहे हैं ये सब एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि यहां पर आप देख रहे हैं दो वायर आपको मिल रहे हैं जो बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो उनमें से जो सबसे पहला है, जो मेन है जिसमें करंट आ रहा है, तो वो एक एलईडी में अंदर जाता है, उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है, दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में, ऐसे फॉलो करता करता पूरी एक पाथ फॉलो करता है, उसके बाद यहाँ से आउटपुट आपका निकल जाता है। तो अगर इनमें से कोई भी एक एलईडी ख़राब होती है तो ये पूरा बल्ब जलना बंद कर देता है। मैक्सिमम केसेस में हमारे साथ यही होता है, 80-90% केसेस में। अब देखो मैं आपको ये होल्डर में यहाँ पर लगा के दिखाऊंगा, सेफ्टी के साथ लगाना है आपको, सेफ्टी आपके हाथ में है तो अपनी सेफ्टी का ध्यान आप लोग खुद रखिएगा। अब देखिए ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, अभी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं। ये शुरू में एक छोटा सा वायर मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप मल्टीमीटर का यूज़ कर सकते हैं, मल्टीमीटर नहीं है तो ऐसा एक छोटा सा वायर आप लोगों के पास होगा वो चल जाएगा। आपको क्या करना है, ये जितनी भी LEDs आपको दिख रही हैं इन सब LEDs में एक तरफ इनपुट है, दूसरी तरफ उसका आउटपुट है जो कि ओपन है। आपको इस वायर का एक पार्ट इनपुट की तरफ लगाना है, दूसरा पार्ट आउटपुट की तरफ लगाना है, और उसके बाद जो भी एलईडी खराब होगी एक एक करके आपको सारे एलईडीज में लगाना है। इनमें से जो भी एलईडी खराब होगी जैसे ही आप उसके साथ ऐसा करेंगे तो पूरा बल्ब जलने लगेगा और हमें पता चल जाएगा कि वो एलईडी हमारी खराब है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ लाइव। ये देखिए पहली एलईडी में मैंने लगाया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर दूसरी एलईडी में मैंने लगाया, यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। तीसरी एलईडी में मैंने लगाया, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर भी। फोर्थ में भी कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। यहाँ पर इस वाली में लगा के देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं हुआ, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ इसमें भी। ये देखिए अब मैंने ये दो एलईडीज में एक साथ टेस्ट किया है, अभी एक एक करके कर लेता हूँ। ये देखिए ये एक एलईडी है, जैसे ही मैं इसके इनपुट और आउटपुट को दोनों को आपस में शॉर्ट करता हूँ तो ये एलईडी बल्ब जल जाता है। इससे हमें क्या पता लगा, ये वाली जो हमारी एलईडी है, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, ये वाली जो हमारी एलईडी है ये ख़राब है। इसे जैसे ही मैं ठीक करूँगा तो ये पूरा बल्ब ठीक हो जाएगा। तो मैं अब इसको आप लोगों के सामने इसको ठीक करके दिखाता हूँ क्या करना है। ठीक करने के लिए आपको पहले तो इसको होल्डर में से आप निकाल लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की अब हमें ज़रूरत नहीं है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद इस एलईडी को टेस्टर की मदद से ही आप हल्का सा ऐसे करेंगे तो ये एलईडी यहाँ से हट जाएगी। ये देखिए एलईडी यहाँ से पूरी हट चुकी है, अब यहाँ पर सिर्फ उसका सर्किट आपको ओपन दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको सोल्डरिंग आयरन की मदद से ये जो सर्किट आपको दिख रहा है एलईडी का, उसको शॉर्ट कर देना है, यानी कि उनको आपस में ज्वाइंट कर देना है। तो सोल्डरिंग आयरन से आप इसको जब ज्वाइन कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा सर्किट, और उसके बाद ये बल्ब हमारा ठीक हो जाएगा। वो भी मैं करके दिखा देता हूँ।
तो ये एलईडी मैंने शॉर्ट कर दिया है, अब देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। ये बल्ब आप लोगों के सामने बिल्कुल सही हो गया है, बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसका कैप लगा के हमें सिर्फ बंद करना है, ये इसका कैप मैंने लगा दिया है और ये बल्ब आपका ठीक हो चुका है। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, बाकी सारे जितने भी बल्ब थे हमारे पास उन सब में मैं ये करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो 13 बल्ब थे टोटल, उसमें से ये दो बल्ब ख़राब हो चुके हैं, इन्हें मैं सही नहीं कर पाया, लेकिन इनके अलावा जो बाकी के 11 बल्ब थे वो पूरे तरीके से ठीक हो चुके हैं। अलग अलग ब्रांड के बल्ब थे ये, छोटे बड़े हर तरीके के बल्ब थे, यहाँ पर आप गिन सकते हैं पूरे 11 बल्ब हैं ये। इन सबको सही किया है मैंने इसी मेथड की वजह से, और इसमें मैं एक एक करके आपको इन्हें लगा के दिखा देता हूँ। ये बड़े वाला बल्ब हो गया, छोटे वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा और ग्यारहवा, सारे बल्ब जल चुके हैं, सारे बल्ब एकदम बढ़िया ठीक हो चुके हैं ये। अगर आपके कुछ सवाल हैं इस पूरे प्रोसेस से रिलेटेड जो मैं वीडियो में नहीं बता पाया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हर इंसान को ये चीज़ सीखने को मिले कि किस तरीके से ये एलईडी बल्ब सही हो सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और उतना ज़्यादा चैनल ग्रो करेगा और उतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ मैं बना पाऊंगा। इस चैनल पर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज और सोलर प्रोडक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाते रहते हैं, तो अगर ऐसी वीडियोज़ आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।